जय हिंद दोस्तों, ये खबर महाराष्ट्र के सतारा पुलिस डिपार्टमेंट का है। सतारा पुलिस डिपार्टमेंट ने भी और शहरों की तर्ज पे भरोसा सेल यूनिट की शुरुआत की है। भरोसा सेल एक ऐसा माध्यम है जिससे पुलिस के लोग, वकील, एनजीओ, इन लोगों की मदद से उन केसों में मददगार साबित होते हैं जो केस जो है छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, वाइफ जात खास करके महिलाओं के लिए, वाइफ हस्बैंड का झगड़ा या महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको हेल्प भी मिलता है। इसमें खास बात यह है कि उन्होंने कुछ, सतारा पुलिस ने कुछ जो है हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं जिसमें 24/7 जो है वो सर्विस अवेलेबल होगी महिलाओं के लिए किसी भी तरह की तकरार के लिए। 1901 बच्चों से संबंधित तकरार के लिए 1098 तथा ज्येष्ठ नागरिक जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए 1090 हेल्पलाइन की सुविधा की है जो 24/7 जो है अवेलेबल रहेगा। सतारा पुलिस डिपार्टमेंट की एसपी, एडिशनल एसपी धीरज पाटिल, एएसपी समीर शेख, डीवाईएसपी अजीत टिके, एपीआई बडवे, इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति में 9 मार्च 2020 को सतारा पुलिस डिपार्टमेंट की एसपी इस बारे में लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से जो है वो भरोसा सेल के माध्यम से तथा ये विन विन जो हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ है उसमें उसे किस तरह से वो सतारा पुलिस डिपार्टमेंट की हद में आने वाले लोगों की मदद कर पाएंगी। उसमें विशेषकर इस बात का ध्यान दिया गया है जो महिलाओं से संबंधित होगा, बच्चों से संबंधित होगा तथा वृद्ध यानी बूढ़े लोगों से संबंधित होगा। तो इन पे अगर इनको किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है और इनकी कोई तकरार है तो उसको फौरन जो है उसकी सुनवाई भी होगी और उसका निवारण भी होगा। आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सतारा की एसपी ने क्या कहा। प्रयत्न करायचे, परंतु ह्याला इंस्टीट्यूशनलाइज करणं खूप गरजेचं होतं की असं एक ठरलेलं ठिकाण असावं की ज्या ठिकाणी महिला, बालक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना ते ठरलेलं ठिकाण असावं की आपण या ठिकाणी गेलो तर आपल्याला सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन मिळणार आहे। म्हणजे अनेकदा ते आपल्याकडे येतात त्यावेळेला केस दाखल करण्यासाठी परिस्थिती असते, पण अनेकदा त्यांना स्वतःला पण केस दाखल करायची नसते परिस्थिती असताना सुद्धा, अनेकदा केस दाखल करण्यासारखी परिस्थितीच नसते, अनेकदा प्रश्न खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, अनेक योजना असतात ज्याच्याविषयीची माहिती त्यांना नसते आणि दुर्दैवाने त्या योजनांची पूर्ण माहिती पोलीस खात्याच्या योजना नसल्यामुळे